बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब घर ऐसे होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादोबाद रखे, हर आने वाली दुख तकलीफ तो निजात दे। इससे दुआ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। शुरू करने पहले छोटी जी अर्ज करते हैं, जिस मेरे भैन भाई सारा निधा फैमिली ब्लॉग चैनल सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब करो, बैल का बटन प्रेस करो ताकि साड़ी आने वाली हर वीडियो तक टाइम तक पहुँच सके। अज की वीडियो कुछ इस तरह वा, जैसे कि मेरे भैन भाई ने पता से कि मेरी भैन की तबीयत खराब है, मामू की बेटी की, तो उन्होंने मतलब ऑपरेशन वगैरह हो गया, खैर क्रियत नाल घर ले आए हैं। तो इस करके मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ सी, इस करके मैं अपना कोई खास करके व्लॉग नहीं बना सकी, कि उस टाइम पर मैं ज़्यादा परेशानी सी कि जो भी कोई मतलब मेरे रिश्तेदार चो कोई बीमार होंदा वा मुल्तान तक आता वा, फिर मैं ज़्यादा मतलब भी मेरे घर ही ज़्यादा ठहरते हैं, मेरे घर रुकते ज़्यादा। फिर ये तो वैसे भी मतलब साड़ी अपनी सी मेरी माँ, तो फिर भी सानू ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगन सी, इस करके फिर मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ रही हूँ। मैं पहले तो माजरा चाहनी अपने भैन भैया को कि मैं अच्छे तरीके नाल कोई ब्लॉग नहीं बना सकी, बेच फिर इन्हों पिछे आना जाना नट भज के मेरी भी ज़्यादा कुछ तबीयत खराब हो गई, मैंने भी बुखार वगैरह होने लग गया, लेकिन हूँ अल्लाह का शुक्र अलहमदुल्ला मैं भी बेहतर हाँ, तो इन्हों की तबीयत भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर आ। तो लेकिन हाले बोल नहीं सकते, बोल नहीं होता इन्होंने को, क्यों जिमें कि इन्हों मतलब जिमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग से असर आ या मतलब कि इन्हें कोई जबान से असर हो गया वा, तो हाले उन्होंने को मतलब बोल नहीं होंगे। उदा इन्हों का माशाल्लाह ऑपरेशन करवा लिया, इन्हों का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, हूँ खा खुराक की जरूरत है इन्हों, या एक ब्लड की बोतल होर कहे डॉक्टर के लगेगी, लेकिन असं फिलहाल घर ले आए हैं, हाले ब्लड भी असं इंतजार करा, फिर लगवावे दो चार दिन ठहर के, कुछ चले फिरेगी अपने पैरों से चलन जोगी हो जाएगी, क्यों हाले तो पकड़ के इधर उधर असं करी दा, पकड़ के मतलब इधर उधर लैके जाइए। फिर उन्होंने वास्ते मतलब भी डॉक्टर ने कहा कि इन्हों फ्रूट वगैरह भी दो, इन्हों कीमा वगैरह भी दो। तो जैन के पापा हूँ कुछ समान लैके आए ने, तो समान मैं बाद शेयर कर दी हूँ, पहले थोड़ा जि अपनी भैन दिखावगी, पहले नो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर ने, अलहमदुल्ला अल्लाह का शुक्र है, मेरे भैन भावें भाइयों की दुआव के नाल बहुत बेहतर आ पहले नो माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ जिंदगी दे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे, अल्लाह सेहत दे, मेरे भैन भाई ने बहुत ज़्यादा दुआव की, अल्लाह ने इन्होंने दुआव के नाल माशाल्लाह जरा सी उन्हें एक देर बेहतर होगी, तो मजीद भी होर मेरे भैन भी दुआ करेंगे मेरी भैन वास्ते। मैं कुछ समान दिखाई हाँ, जैन के पापा समान वगैरह लैके आए इन्होंने वास्ते कुछ समान लैके आए ने, कहते कि इन्होंने फ्रूट की जरूरत आ। छुट्टी का कार्ड आ, जो छुट्टी का कार्ड इन्होंने मिलिया से ऑपरेशन तो बाद वाला कार्ड देंगे ने, ते ते कुछ दवाइया लिखिया से, ये फिर जैन के पापा ए वाले दवाइया लैके आए मेरी, कोई टैबलेट वगैरह वा, एक शरबत आ और एक आ वाले कैप्सूल ने, एक आ फ्लैचर की गोली, मतलब इन्नी खास ज़्यादा दवाई नहीं दी डॉक्टर ने, कुछ उन्होंने ड्रिपा वगैरह दसिया से, इन्हों की दवाई वगैरह सब तो पहले मैं अपने भैन भैया शेयर कर लवा, जैन के पापा लैके आए और इन्हों के खाने वास्ते डबल रोटी लैके आए हैं, सारी गल डबल रोटी उन्होंने खाने वास्ते देवे, तो नरम गजाई देनी सारी गल आने, इन्नी जल्दी कोई होर सकत चीज़ तो देनी है इन्होंने। और दूसरे नंबर से लैके आए जी जैन के पापा सेब, थोड़ा थोड़ा मतलब भी सारा फ्रूट लैके आए हैं, जड़ी चीज़ की उन्होंने जरूरत होएगी मैं फिर वही चीज़ उन्होंने कट के दे देंगे, सेब लैके आए हैं, लेकिन जैन के पापा ने सेब उन्होंने देने इन्नी जल्दी सही हो गया। अच्छा जी सेब लैके आए ने, कुछ तीन अनार लैके आए ने, अनार तीन लैके आए ने अच्छा जी, और एक दर्जन केलियां लैके आए ने, और दूसरे नंबर पर इन्होंने वास्ते लैके आए ने अंगूर, अंगूर इन्होंने वास्ते मेरे ख्याल बेस्ट आ, मेरे अंगूर लैके आए, मैं टोकरे च निकाल के रख लेनी नाल फ्रूट, इस तरह उठा के फ्रिज रख देंगे ठंडा होएगा, तो फिर इन्होंने मतलब कि मैं खाने वास्ते देवगी। एक जैन के पापा अंब लैके आए, हूँ मैं नहीं पता अपने वास्ते लैके आए
या मेरे वास्ते लेके आए? किसके वास्ते लेके आए? हम अपने वास्ते लेके आए, जो अंब दे जैन दे पापा बहुत ज्यादा शकीन ने, ते ये काम अपने वास्ते लेके आए। हाँ तू भी आ जा, हाँ जुलकर नैन भी आ रहा है, मम्मा जी मैं भी आ जा, मैं क्या तू भी आ जा। हाँ जी जी आ जा, क्या लेना मेरे बेटे ने? यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, इधर हो बैठो। क्या लेना मेरे बेटे? अंगूर दा, अंगूर लेने जी, अंगूर दा जुलकर नैन बहुत ज्यादा शकीन है जी। फ्रूट जो है ये रजवाना वास्ते आया, डबल रोटी रजवाना वास्ते आई, अंगूर भी रजवाना वास्ते आई, रजवाना दी मेडिसिन भी आ गई जी बेटे जी, रजवाना दी मेडिसिन भी आ गई। शुक्र है फिर इन्होंने, हूँ मैं मतलब खाना जो भी दवांगी खाने में, डबल रोटी तो दवांगी, इन्होंने चाय चाय ना दब हल्की जी मतलब दूध पत्ती लगा के ना दवांगी डबल रोटी, फिर उस तो बाद मेडिसिन दवांगी। लेकिन फिलहाल डॉक्टर साहब ने कहा, इन्होंने आख्या सी कि ग्रीन टी और ग्रीन टी के नाल एक अद्धा बिस्किट वो वाले मैं दिंदी रही हाँ, ग्रीन टी नाल एक अद्धा बिस्किट, एक या दो बिस्किट खाती ज़्यादा नहीं, और उस तो बाद मतलब थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो घुटा सेवन अप की बोतल वो वाली इस्तेमाल कराती रही हूँ। तो हूँ ये फ्रूट लैके आए हैं, ये फ्रूट भी इन्होंने धो के दवांगी, मेडिसिन मैं इतने रख दाँगी, इन्होंने मैं खिलावगी, तो फ्रूट मैं उठा के मतलब के फ्रिज के अंदर रख दाँगी, डबल रोटी फ्रिज के अंदर रख देंगे, फ्रिज रखा ना डबल रोटी में, हाँ डबल रोटी फ्रिज रख देंगे। तो जो फ्रूट आया से फ्रूट चुके मैं फ्रिज रख दिता वा, तो रिराज का फ्रूट लैके आए अपने भैन भी ने शेयर किया। हूँ मैं अंगूर है, मैं क्या अंगूर थोड़े जे रजवाना खिला दा, खुद तो नहीं खा सकती अपने आप, तो अपने हाथ ना ही मैं इन्होंने खिलानी है जो चीज़ भी खाते हैं, अपने आप चीज़ नहीं मतलब इन्हों को अजे खाधी जाती ना, मतलब इन्ना ज़्यादा इन्हों को बोल हों, बोल ही नहीं हों, बोल ही नहीं सकते, माड़ा जहाँ ऊँ आ करते हैं तो गल की समझ नहीं आती। इन्ना ज्यादा इन्हों को बोल चल नहीं इन्ना ज्यादा होंगे, मतलब कोई गल करते हैं जी गल पूछते हैं इन्हों समझ नहीं आती, या मतलब भी सारे जे कोई दसन की कोशिश करते हैं सू समझ नहीं आती बिल्कुल, इन्हों की मतलब जिमें कि आवाज़ में या मतलब दिमाग में कोई फिलहाल मसला नहीं। मेरे भैन भाई बहुत ज़्यादा दुआ करे कि इन शाला कला बिल्कुल जल्दी जल्द सैट हो जाए, इन्हों की तबीयत सैट हो जाए, या अपने पैरों पर चलन लग जाए, मैंने गांव पछा पकड़ के करना पैदा वा, अपने पैरों पर चलन फिरन लग गए, आप खुद से उठा के खान लग गए, मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। कि मैं अपनी भैन ने भी बुलवा लिया, अज नीता की अम्मी भी मेरे को आ गई है, क्यों मैं कली सी मेरी अपनी भी तबीयत, मेरे नीता की अम्मी मेरे को आ गई, उन्होंने अपनी हेल्प वास्ते बुलवाया वा, मैं चलो मेरी थोड़ी जी मदद करवाएगी, कि बच्चे छोटे छोटे नहीं संभाले जाते, इन मरीज को संभालना, फिर मेरी अपनी भी तबीयत मेरे भैन दिया सामने है, जो मेरे कली फिर नट भज ज़्यादा, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, ज़्यादा टेंशन होती है, इस करके मैं नीता की अम्मी भी पहुँच गई है। जो भी अगला सीन होएगा मिलेंगे अपने भैन भैया नाल नाल जरूर शेयर करया करांगे, लेकिन मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करांगी अगे मेरे भैन भैया ने मदद दे नाल बहुत ज़्यादा दुआ दे नाल, और मेरे सोहने परवरदिगार रब ने मदद की, यदि जिंदगी बख्श दी, अल्लाह सोहने ने बहुत रहम किया, बिल्कुल माशाल्लाह जरा सही सलाम दोगी, अल्लाह सोहना मजीद इनू रहम कर दे, मेरे भैन भाई बहुत ज़्यादा दुआ करे, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हाँ कि मेरे भैन भाई दुआ करे, इंशाल्लाह तआला बहुत जल्दी जल्दी बेहतर हो जाएगी, इन्हें तबीयत बेहतर होगी, मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, ताकि जल्दी खैर के तरह सही सलामत हो के, ताकि अपने जरा सीगा भी मंजिल से जाने वाली बनेगी। चाहवागी मैं अपने भैन भैया को इजाजत, क्यों अगर शाम का टाइम हो रहा वा, फिर मैं इन्होंने खाने का भी इंतजाम करना वा, कोई मतलब कीमा वगैरह लैके आए जाते पापा वो मैं उपर आ दिता पकना, वो भी मैं बनाना वा, इन्होंने खिलाना कुछ, तो मिलेंगे अपने भैन भैया नैक्सट वीडियो में, ऐसे इतने ऐसे वीडियो का करते थे, एंड चाहवागे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।